हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दक्षिण के स्वाद में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लेके हूँ। है तो बहुत पुरानी, पर मैं आज नए अंदाज से बना रही हूँ और बहुत ही जल्दी बन जाएगी। मात्र 3 सामग्री रहे तो हमारी ये रेसिपी बन जाती है और ये इतनी स्वादिष्ट होती है कि जब पूरा बर्तन जितना है बनाए ना उतना आप खुद खा लेंगे, इतनी अच्छी रहती है। हमें ये खीर बनाने के लिए ना कच्चे चावल चाहिए, जिससे कि खीर बहुत अच्छी बनती है। 100 ग्राम चावल, 1 लीटर दूध और 1 टेबलस्पून घी और 150 ग्राम गुड़। ऐसा ही कोई इंसान होगा जिसकी ज़िंदगी की शुरुआत इस मिठाई से ना हुई हो, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में हम गृह प्रवेश हो या फिर हम कोई नए घर में शिफ्ट होते हैं तो हम इस मिठाई को बनाते हैं। जब बच्चे को पहले बार अन्न खिलाते हैं या अन्न प्राशन होता है तो हम इसी मिठाई को बनाते हैं। और हाँ, आज हम चावल की खीर बनाएंगे, वो भी गुड़ वाली। आपको तो मालूम है कि गुड़ की खीर बहुत कम बनाई जाती है, क्योंकि खीर बनाते समय थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो दूध फट जाता है। लेकिन मैं आज आपको ऐसी सावधानियाँ बताऊँगी और ऐसे नुस्खे बताऊँगी जिससे कि आपकी गुड़ की खीर कभी नहीं फटेगी। आप इस वीडियो को आखिर तक के देखिएगा, मैं बीच में बताऊँ। हाँ, तो चलिए दोस्तों, हम खीर बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। इस खीर में ना चावल को धोया नहीं जाता है, तो हम उसमें 1 चम्मच घी डाल के चावल को अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कि चावल के ऊपर घी का एक लेयर बन जाता है, जिससे कि बाद में चावल अच्छे से पकते हैं, क्योंकि दूध में चावल ना जल्दी पकते नहीं है, इसलिए मैंने घी लगाया था, इससे जल्दी पक जाएगा। दोस्तों, खाली बर्तन में खीर नहीं बनती है, इसलिए मैंने 1 चम्मच घी डाला है और पानी थोड़ा हल्का गुनगुना होने के बाद हमने जो घी में मिलाया और चावल रखा था ना, उसको मैंने डाल लिया है। वैसे हम अगर दूध में बना सकते हैं, लेकिन आजकल पैकेट के दूध आते हैं ना, कभी कभी दूध फट जाता है, इसलिए मैंने थोड़े से पानी में थोड़ा थोड़ा दूध डाल के चावल को और उसको आँच को आदत किया है कि हम दूध डालेंगे पूरा। तो आप कहेंगे इतना मेहनत क्यों, हम शक्कर की खीर बना लेते हैं, लेकिन जो स्वाद गुड़ की खीर में है ना, वो शक्कर के खीर में नहीं, सिर्फ उसमें रंग आता है और इसमें स्वाद आता है। और सेहत के लिए भी गुड़ का मीठा पानी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें फुल आयरन रहता है। दोस्तों देखिए, हमने चावल में उबाल आ गया है ना, तो मैंने थोड़ा सा दूध मिला लिया है और उसको हम मिला के रख लेंगे ताकि वो उबाल अच्छे से उबल सके। तो मैं ये कह रहे थे कि जब भी हम गुड़ की खीर बनाते हैं ना, तो आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए और दूध हमेशा ताज़ा वाला लेना चाहिए। अगर जैसे हमने पैकेट का दूध लिया और पहले दिन का है तो जल्दी फट जाता है। देखिए, मैंने जैसे ही दूध कम हो रहा है ना, चावल उबल रहा है, मैं और ऊपर से दूध डालते जा रही हूँ। इस तरह हमें पूरा 1 लीटर दूध चाहिए। अब मैं देख, बर्तन के ऊपर ढक्कन भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें करछी रख के ढक्कन लगाना चाहिए। घर कितना भी साफ रहे, कभी कभी कीड़े मकोड़े आ ही जाते हैं और ऊपर से गिर जाते हैं, इसलिए हम हल्का से ढक्कन लगा के रख लेते हैं। और देखिए, मेरा खीर आधा बन गया है लगभग, और देखिए कितना गाढ़ा हो गया है ना। देखिए, और बीच बीच में ऐसे घोटते भी रहेगा ताकि हमारा पूरा चावल का जो दाना है ना, एकदम महीन और एकदम नरम हो जाए। और जितना आप अच्छा घोटेंगे ना, उतना अच्छा उसमें क्या है ना, स्टार्च बने। और अगर हम घोटेंगे नहीं ना, तो चावल के दाने वैसे ही रह जाएंगे और गुड़ डालने के बाद एकदम दाने कड़क हो जाते हैं। हाँ, तो दोस्तों अभी इस वक्त हम इसमें गुड़ मिलाएंगे। मैंने जो आपको 1 ग्लास चावल के लिए 2 ग्लास गुड़ दिखाया था ना, उसको आधे ग्लास पानी में डालकर आप पतली चाशनी बना लीजिएगा और उसको हम छन्नी में छान लिया है। जब गुड़ बनता है ना, तब उसको चटाई पर डाला जाता है और उसके कारण उसमें ना कंकड़ और धूल रहता है, तो इसलिए हमें उसको हल्के से चाशनी बनाकर ही हमें गुड़ की मिठाई बनानी चाहिए। देखिए, हमारा खीर कितना गाढ़ा हो गया है। खीर ऐसे गाढ़ा हो जाए ना, तो आप उसको लगातार मिलाते रहिएगा, वरना उसका तला पकड़ लेता है और नीचे से जल जाता है, इसलिए मैंने इसको पीतल के बर्तन में बनाया है। आप कभी भी इसको स्टील के बर्तन में मत बनाइएगा, क्योंकि जल जाएगा और पूरी खीर खराब हो जाएगी आपकी। जितना मेहनत किया ना, पूरा बेकार हो जाएगा। मैंने अभी तक के इसमें गुड़ नहीं डाला है, सिर्फ दूध में ही पका है ये पूरा अभी तक। जब इतना गाढ़ा हो जाए ना, तब आप गैस बंद कर लीजिए, बस आपको ऐसे सिर्फ घोटते रहिए। और देखिए, मैंने अपनी चाशनी डाल ली है उसमें। मैंने इसमें 100 ग्राम चावल के लिए 150 ग्राम गुड़ लिया है। अगर आपको गुड़ ज़्यादा पसंद है, मीठा ज़्यादा पसंद है, तो आप 200 ग्राम ले सकते हैं। और आप चाशनी डालने के बाद इसको लगातार 2 मिनट तक मिलाते रहिएगा, ताकि दोनों एक साथ हो जाएंगे। देखिए, अभी हमारी खीर थोड़ी पतली दिख रही है, लेकिन ठंडा होने के बाद ये मीडियम बन जाएगा। और आप इसे तुरंत स्टील के बर्तन में निकाल लीजिए, वरना फिर खीर ना काली हो जाती है पीतल के बर्तन में देर तक के रखने से। आप उसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। और देखिए, हमारी गर्मा गर्म खीर तैयार है। आपको गर्म खीर पसंद है तो गर्म खाइए, वरना ठंडा करके खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट रहती है। और मैंने इसमें किसी भी प्रकार का कोई फ्लेवर नहीं दिया है, क्योंकि गुड़ और दूध का जो फ्लेवर है ना, वो अपने आप में बहुत होता है। अगर आपको पसंद है तो आप इलायची और मेवे डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है। हाँ, तो दोस्तों कृष्णाष्टमी आ रही है, तो चलिए फटाफट इस गुड़ की खीर को बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक के देखने के लिए धन्यवाद।